इंटरनेट सेवा को बहाल करने की मांग की गई है। लखीमपुर में 3 हाईवे किसानों ने जाम किया है। शारिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शारिक, इस बात को लेकर भी नाराजगी है जिस तरह से इंटरनेट सेवा बंद की गई है। देखिए, चूंकि पूरे माहौल में सेंसिटिविटी है, इसको लेकर प्रशासन ने एक निर्णय लिया था कि इंटरनेट सेवाएं हैं जो उनको बंद किया जाए। यही वजह है जो सबसे पहले जियो की सेवा को बंद किया गया था, उसके बाद जो दूसरे मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं उनकी इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तमाम ऐसी वजह है जिसको लेकर किसानों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। इंटरनेट को बंद करने को लेकर भी किसान काफी नाराज दिख रहे हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल शारिक, और जानकारी क्या मिल पा रही है? जो ये सूचना थी कि कई आसपास के जिलों से भी किसान वहां पर पहुंचेंगे, पश्चिमी यूपी से भी किसान वहां पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में जानकारी क्या मिल पा रही है? जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ये स्थानीय किसान हैं या दूसरे जिलों के भी किसान अब वहां पर पहुंच कर उनके इस आंदोलन में, उनकी इस मांग में साथ में जुड़ रहे हैं? देखिए, कल जिस तरह से काले झंडे दिखाए जाने को लेकर था केंद्रीय मंत्री के खिलाफ, उसको लेकर जिले के आसपास से भी कुछ किसान वहां पर इकट्ठा हुए थे। इसके अलावा जिस तरह से पूरा बवाल हुआ, उसमें जो किसान मारे गए उनको लेकर जिस तरह से खबर फैली तो किसानों में काफी आक्रोश पड़ा। जिले के अलावा जो आसपास के जिले हैं और दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ तक की बात सामने रही थी, जो पश्चिमी इलाके के किसान है वो भी लखीमपुर कूच कर सकते हैं। इसको लेकर जो तमाम जिले के बॉर्डर थे उन पर अलर्ट किया गया है और तमाम तरह की चेकिंग इन बॉर्डर से की जा रही है। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरह की जो बाहरी एंट्री है, प्रशासन की तरफ से यही लगातार कोशिश बनी हुई है कि बाहरी एंट्री को रोका जाए ताकि वहां पर और मचमा ना लग सके। चले, बिल्कुल शारिक, लेकिन अब प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। वो यहाँ पर हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसान एक बार फिर अब आंदोलित है, मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनसे कोई बात की जा रही, कोई समझाने के लिए जा रहा है? देखिए, जिस तरह से अधिकारियों का कल से यही दावा था कि जल्दी स्थिति को सामान कर लिया जाएगा, लेकिन जो स्थिति है और जो हालात है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तनाव की तरफ। तो यही वजह है जिस तरह से किसानों ने अभी नेशनल हाईवे ट्रैफिक बोर्ड पे चार्ज किया है, उसको लेकर जिस तरह से इलाके में तनाव है और तमाम जो लोगों में आक्रोश है, अभी यही चेताई जा रही है कि दूसरी जगहों पर ये प्रदर्शन बढ़ सकता है। अब मौके पर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से, उसको लेकर पुलिस को और प्रशासन को सूचना दी गई है। अब थोड़ी देर में ये बताया जा रहा है कि एसडीएम होम भी मौके पर पहुंचेंगे और किसानों से वार्ता करेंगे। बिल्कुल शारिक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लखीमपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए, और सीतापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से कांग्रेसी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं प्रियंका की गिरफ्तारी के खिलाफ। ये था कि प्रियंका गांधी जब सड़कों पर 6 घंटे तक भटक रही थी, उनके साथ सिर्फ आप थे और कोई नहीं था। उनकी सिक्योरिटी भी अलग हो गई थी, उनके साथ जो कार्यकर्ता थे वो भी अलग हो गए थे, नेता भी अलग हो गए थे। तो किस तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ी पूरे रात? देखिए, 7 घंटे तक